आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। मुख्यमंत्री खुद ने बोला है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और होगी मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी ने इसके प्रति पूरी जागृति फैलाई है और इमीडिएट एक्शन लिया है। सजा नहीं हुई गारंटी हमारी, लिख के दे दो, नंबर दे दो, आधार कार्ड ले लो मेरा, सजा नहीं हुई गारंटी मेरी। 79 दिन तक मोदी जी ने मुंह नहीं खोला। आज तो राहुल बाबा मिलके आ रहे हैं। और वो जो सर ने बोला कि अफीम का जो मुद्दा है वो उनको क्या, जो दूसरे वाले समुदाय कुकई वाले को, उनको कहा कि तुम्हारे लिए पहाड़ है और मैदान पे ये महिलाएं क्या मोहरा है। सवाल ये है, महिलाएं क्या मोहरा है कि उनको अपनी उसके लिए जो है जब मर्जी जब कोई इस्तेमाल कर लेगा, नंगा कर देगा उनको। ये आपकी इसके आपकी बात से ये बड़ी निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए और उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री खुद ने बोला है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और होगी मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना वक्त लगेगा? देखिए वक्त तो हर काम में, सवाल पूछिए ना, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को भी एकदम फांसी पे चढ़ा दिया जाए जब तक उसके एविडेंस। सालों साल पहले जेल में रखिए उनको, खिलाइए पिलाइए, हट्टा कट्टा कीजिए, उसके बाद फांसी। अरे ये पहले वाला टाइम नहीं है मैडम, आप 2014 हर कोई योगी जैसा एक्शन नहीं ले। क्यों नहीं लेगा? लेगा लेगा। देखिए खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है और वो बदला जाएगा और उसपे जो है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जरूर उनको फांसी की सजा दिलाएंगे, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जो भी अभी जो घटना घट रही है ये तो बहुत दर्दनाक है और बहुत ही निंदनीय है। ये जो भी इसको बखूबी निंदा करना चाहिए, सबों की निंदा करना चाहिए और सब मिल करके इस बात का एहसास होना चाहिए कि भाई इस तरह की बातें नहीं हो। महिला महिला है, सबकी महिला सबकी समानता है, लेकिन फिर भी यहाँ लेकिन आज से जो है 4 साल 5 साल पहले की भी घटना की पुनरावृत्ति को भी, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, अगर ये बात बोलेंगे तो महाभारत से पहले क्या हुआ। आप तो उन मुद्दों को लेकर, कभी सुधार होगा, महिला का शोषण होना बंद होगा, सवाल ये एकदम बंद होगा, एकदम बंद होगा। देखिए देखिए बंद होगा। आप जो मणिपुर की घटना ने एक आंख खोल दिया और आज मोदी जी ने इसके प्रति पूरी जागृति फैलाई है और इमीडिएट एक्शन लिया है। इमीडिएट ऐसा नहीं है, और एक्शन लेने के बाद इसका महीना दो महीना तीन महीना में उसको सजा जरूर मिलेगा, ये इतना निश्चित है। 2 महीने बाद आपसे 3 महीने बाद फिर से इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे सजा होने के बाद। सजा तो होगी नहीं मैडम, सजा नहीं हुई गारंटी हमारी, लिख के दे दो, नंबर ले लो, आधार कार्ड ले लो मेरा, सजा नहीं हुई गारंटी मेरी है। गारंटी है अगर सजा मिले, भाई कह रहे सजा मिलेगी, मेरा आधार कार्ड ले लो, पैन कार्ड ले लो, पासपोर्ट ले लो, अगर सजा हो जाए बताओ। अब से मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, अगर सजा मिले 1 लाख रुपए अपना करंट दूंगा, करंट भाई कह रहे सजा मिलेगी, 1 लाख रुपए इनाम, करंट 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 दूंगा, करंट 1 लाख रुपए कैश, कोई गारंटी ले लो, कोई गारंटी। इन्होंने तो शर्त लगा ली है। देखिए आप तैयार रखिए 1 लाख रुपए और बिल्कुल बिल्कुल उनको सजा मिलेगी, कोई इसमें दो राय नहीं है मैडम, उनको सजा मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी कि आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, दोनों मिलकर एक साथ देखेंगे सजा। ठीक है मान लेते हैं, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी दौरे पे बिजी थे, लेकिन बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तो यहाँ थी, उन्होंने क्या जायजा लिया? मैडम सबसे दुखद पहलू तो ये है कि 79 दिन तक मोदी जी ने मुंह नहीं खोला, चलता रहा मणिपुर, मुंह नहीं खोला। आज राहुल गांधी की ये खिल्लियां उड़ाते हैं, राहुल गांधी बेचारे गए दुख दर्द की खबर दबर लेने तो उनका रास्ता रोक दिया, उन्हें उन लोगों से मिलने नहीं दिया। मोदी तो मोदी की सरकार के एक नुमाइंदे ने इस विषय पे 79 दिन तक मुंह नहीं खोला। जब वो वीडियो वायरल हुआ तब ये शर्मसार होके फिर मोदी ने एक बयान, शर्मसार हुए या फिर कुछ सत्ता जाने का 24 में खतरा मंडरा गया सर के ऊपर। 24 में जो इलेक्शन होगा ना, 2 महीने पहले कोई इश्यू होगा, उसे मोदी पहले आगे खड़े होंगे हमारे, उसका इश्यू को दूर करने के लिए। इतनी बेवकूफ है क्या? मैडम 2 महीने पहले इश्यू होगा, कोई ना कोई कांड होगा मैडम, उसको बहुत ही आगे बढ़ेंगे। उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, ये चीज आप टीवी पे चलाना,
एक तो हिंदू मुस्लिम, दूसरा ये टीवी चैनल जितने भी हैं वो मोदी के पॉकेट में रखे हुए हैं। सुबह जाती है, सुबह लिस्ट जाती है, मोदी जी ने आज ये कपड़े पहने, आज ये न्यूज चलेगी बीजेपी कार्यालय से। हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड है कानून बनाओ, कोई भी लड़की में बच्चा चार हो, कोई भी परेशान हो, सऊदी अरब जैसा खलास, हाथ क्या कार्रवाई, हाथ क्या सुनवाई, हाथ क्या कार्रवाई। मैडम ये देश में एक 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 देश भारत में एक चर्चा का विषय बन चुका है कि विपक्ष से मीडिया सवाल पूछती और सरकार से नहीं पूछती। ये एक देश में वातावरण बन चुका है, सारे के सारे चैनल जो है वो बीजेपी की और मोदी की वकालत करते हैं। कितना भी जघन्य अपराध मीडिया बता रहा है, गोदी मीडिया है, इनको नहीं पता। आज रात के 2 बजे कोर्ट खुल के पास से किसी ने सुना हुआ है, ये वो भारत है, ये बदलता हुआ भारत है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।